एवरीवन, आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ ना, वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है। वो बात है कि लड़कों को लड़कियों का जो पिछवाड़ा होता है वो क्यों पसंद होता है। ऐसा क्या है लड़कियों के पिछवाड़े में, या मैं अगर नितंब की बात करूँ उसमें क्या है। आप बोलोगे मैम ये कोई कहने की बात है, इसमें क्या खास है। लड़कियों की जो बॉडी होती है ना, वो तो हमेशा लड़कों का आकर्षण है। जी नहीं, वो हमेशा लड़कों का आकर्षण नहीं होता, और लड़कों का आकर्षण तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि अगर जो लड़के, मैं लड़कों की बात कर रही हूँ, जो टीनेज एज में होते हैं या अडल्ट एज में जो नहीं पहुँचते, उनका जो आकर्षण होता है ना, वो यहाँ तक आके सीमित हो जाता है। सुंदर चेहरा, एकदम गोरा सा बदन, और थोड़ी बहुत जो फैशनेबल लड़की है उनकी आंखें वही जाती है। बट जो जब वो मर्द बनता है, एक लड़के से जब वो मर्द बनता है ना, तो उसकी जो नज़र होती है, उसका जो आकर्षण होता है, वो यहाँ पे आके अटकता नहीं है। फिर उसका इंटरेस्ट जो है वो साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों ही बदल जाती है। एक पूरा मर्द जो बनता है, एडल्ट जो होता है, वो कभी भी सुंदर बदन तक आगे अटकता नहीं, बल्कि वो परिपूर्ण, यानी कि जो फीमेल प्रॉपर, उसकी जो बॉडी होती है वो प्रॉपर मिच्योर हो जाए, ऐसी फीमेल के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और उसी का एक घना आकर्षण होता है, एक डीप अट्रैक्शन होता है फीमेल का जो हिप एरिया होता है वो। और इसका जो साइकोलॉजिकल रीज़न है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आगे बताती हूँ। देखिए, इसका जो मैं अगर एग्जांपल दूँ ना, तो आप अगर हमारी जो कला थी, संस्कृति थी, उसको अगर वो उभारते थे, तो आप देखोगे मैक्सिमम जो ड्राइंग करते थे ना, वो हमेशा फीमेल की जो आगे का हिस्सा होता है, पीछे का जो हिस्सा होता है, उसको ज़्यादा, जो अगर मैं स्पेशली बात करूँ, जो मिच्योर फीमेल होती है उनकी अगर वो पेंटिंग करते थे ना, तो वो डीपली फीमेल की जो बैक एरिया होता है उसको ज़्यादा मात्रा में पोर्ट्रे करते थे। चाहे कोई फीमेल ज़्यादा सुंदर भी ना हो, चेहरा ज़्यादा सुंदर भी ना हो, बट अगर वो पूरी 100% एक अच्छे स्ट्रक्चर की बॉडी कैरी करती है ना, तो वो हमेशा मर्दों की आकर्षण बनती है। क्योंकि इसके पीछे एक डीप साइकोलॉजी और फिजिकल रीज़न ये होता है। ये बहुत सारे पुरुष भी नहीं जानते कि वो ऐसा क्यों करते हैं, बट इसके पीछे रीज़न ये होता है ना, कि जब कोई फीमेल पार्टनर एक अच्छे हार्मोन लेवल के साथ ग्रो करती है, जिसके बॉडी में हार्मोन लेवल जो होता है वो अच्छा होता है, सही होता है और एक्टिव होता है ना, वही फीमेल अच्छे मात्रा में उनका चेस्ट एरिया, यानी कि ब्रेस्ट एरिया, और उनका जो हिप एरिया, ये दोनों डेवलप होता है। और इसी के कारण हॉर्मोन्स की वजह से भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल रीज़न की वजह से भी हो सकता है, वो पुरुषों का आकर्षण ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। एंड यस, स्टडीज़ भी ये प्रूफ कर चुकी है, काफ़ी हद तक स्टडीज़ में देखा गया है कि जिन फीमेल्स में हॉर्मोन एक्टिवली एक्टिव है, यानी कि जो फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है और अच्छे हॉर्मोन्स के साथ कैरी करते हैं ना, वो फैंटेसीज को ज़्यादा कैरी करते हैं, वो फीमेल एक्टिव ज़्यादा होते हैं, वो फीमेल की परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और वो फीमेल अपने इंटीमेट लाइफ को भी अच्छी तरीके से जीते हैं। तो आप बोलोगे मैम जो पतली लड़कियाँ होती है, क्या उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती? ऐसा नहीं है कि उनकी सेक्स लाइफ अच्छी नहीं होती, बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टडीज़ की, तो वो ये बताते हैं कि जिनमें हार्मोन, जो फीमेल हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन जो होता है वो एक्टिव होता है, गुड लेवल पे होता है, उनकी बॉडी भी उस तरीके से मिच्योर बनती है। ये कुछ जेनेटिकल भी हो सकता है, पर ज़्यादा मात्रा में ये देखा गया है। और आप एग्री करो या ना करो, बट अगर एक फीमेल, अगर कोई फीमेल पार्टनर अच्छे हिप वाले हो, अगर उनका नितंब का एरिया जो होता है वो अगर सुडेल हो, गोल मटोल हो, प्रॉपर मिच्योर हो, तो उनके साथ अलग अलग पोजीशंस को ट्राई करना भी मर्दों के लिए बहुत ज़्यादा प्लेजरेबल होता है। उनमें जो भी कपड़े हो वो बहुत अच्छे फिट बैठते हैं, और अगर पिछला हिस्सा ऊंचा हो ना, तो काफ़ी स्टडीज ये भी बताती हैं कि उनको चलने फिरने में भी दिक्कतें नहीं होती, इवन बॉडी बैलेंस होती है। बट यस, ये नहीं है कि आपकी बॉडी जैसे भी हो, पिछला हिस्सा बहुत बड़ा हो गया तो वहाँ पे फिर डिसबैलेंस हो जाती है,
मैं बैलेंस फिगर की बात कर रही हूँ। ठीक जैसे ही काफ़ी सारी फीमेल को दाढ़ी वाले और सीने में बाल वाले लड़के या मर्द ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक वैसे ही काफ़ी मैच्योर जो मेल होते हैं उनको अच्छे हिप कैरी करने वाली औरतें पसंद होती हैं, और इसकी जो रेशियो है ना वो ज़्यादा होती है फीमेल के मुकाबले। क्या आप मेरे से एग्री करते हो? अगर करते हो ना तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर और ज़्यादा पसंद आया मेरा वीडियो तो शेयर ज़रूर करना, और थोड़ा और ज़्यादा पसंद आया है ना तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे जब जब मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।